नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने म्यूजिकल चैनल चौधरी ब्रदर्स पर। और आज हम सीखेंगे किशोर जी और लता जी द्वारा गाया हुआ एक हिट सॉन्ग, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पर तेरा। एक ड्यूट सॉन्ग है ये, और आज जो हम ये सॉन्ग बना रहे हैं एक विशेष फरमाइश पर बना रहे हैं। और ये विशेष फरमाइश हमारे पास भेजी है मीना जैन जी उदयपुर राजस्थान से। उनकी विशेष फरमाइश पर हम इस सॉन्ग को बना रहे हैं, जिन्होंने इस सॉन्ग की फरमाइश के लिए हमें कुछ राशि भी भेंट की है, उनका तहे दिल से शुक्रिया। आज उनकी विशेष फरमाइश पर हम ये सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, इसका लेसन बना रहे हैं विद म्यूजिक पार्ट, विद नोटेशन, विद फिलर पार्ट। तो आज इस सॉन्ग को हम सीखेंगे अच्छे से, और जो इसका ओरिजिनल म्यूजिक है वो, और फिलर पार्ट और स्थाई अंतरा, इसका नोटेशन, सब कुछ आज हम इस लेसन में करेंगे। आइए लेसन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आज पहली बार आप हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम हर रोज़ एक म्यूज़िकल वीडियो आपके लिए लेकर के आएँ, एक लेसन वीडियो आपके लिए लेकर के आएँ, जिससे आपको उस वीडियो देख करके हारमोनियम और कीबोर्ड बजाने में हेल्प मिले और आप अच्छे से सीख पाएँ। तो आइए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, आते हैं लेसन की तरफ। और देखिएगा, जो हमने इसका स्केल रखा है वो जी शार्प रखा है, चौथा काला जी शार्प मेजर इसका कॉर्ड है। जो इसका ओरिजिनल स्केल है वो है ए शार्प बी फ्लैट मेजर, ठीक है। तो ये इसका ओरिजिनल है और हमने इसका ये रखा है जी शार्प मेजर, इसी स्केल से हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, पहले देख लीजिए इसमें कौन कौन से स्वर यूज हो रहे हैं। देखिएगा, सा रे गा मा पा, या तो पा तक के स्वर लगेंगे इधर तो, और मंद्र सप्तक की अगर आप बात करें तो आपका नी शुद्ध और धा और पा और गा, यहां तक के स्वर इसमें यूज होंगे, ठीक है। अब देखिएगा, जो मेनली इसका जो आधार है वो शुद्ध स्वरों का है, और सारे गा पा धा सा जो भोपाली अंग का जो आधार है इसका गाने का वो है सारे गा रे सा धा ग म द म द सा, ठीक है, ये इसका रंग है, ठीक है। अब देखिएगा, जो गाने की स्टार्टिंग है वहीं से हम शुरू करेंगे। अब जो गाने की स्टार्टिंग, सबसे पहले जो किशोर दा ने जो गाया है वो स्टार्टिंग का हमिंग पार्ट जो है वो देखिएगा, यही पोर्शन देखेगा सबसे पहले, हे 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 आहा, इतना समझिएगा पहले, हे हे, पहले दो बार ये है हे हे इस लय में, हे हे तीसरी बार हे हे आहा। गा सा गा सा गा सा पाधा पाधा पाधा, इतना है एक लाइन में, हे 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 आहा आहा आहा, ठीक है। इसके बाद आहा फर्स्ट पोर्शन। अब इसके बाद यहां से फिर होती है गाने की आपकी स्थाई शुरू। अब स्थाई देखिएगा, अब नोटेशन देखिएगा, ये जो है मंद्र सप्तक के आपके पास से शुरू हो रही है नोटेशन इसकी, पा धा सा रे गा गा सा धा पा धा रे, कोरा कागज था ये मन मेरा, पा धा सा
पागारे। ठीक है, उसके बाद लिख लिया नाम इस पे तेरा। लिख लिया नाम इस पे तेरा पाधा सारे गा सनी धनी सा। अब इसमें एक ध्यान दीजिएगा, जो स्टार्टिंग जहां से गाने की शुरुआत हुई है स्थाई की, वहां पर उन्होंने एक अंदाज गाया है, वो अंदाज मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, हालांकि सिंपल ही है। वही कोरा कागज था ये मन मेरा लिख लिया नाम इस पे तेरा 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 निशा निशा। ये अंदाज से उन्होंने स्टार्टिंग में गाया है। ठीक है, तो नोटेशन सब सेम है, आप उसी तरह से इसको इजीली बजा सकते हैं। कोरा कागज था ये मन मेरा लिख लिया नाम इस पे तेरा पाधा सारे गगा सादा पाधा रे पाधा सारे गा सनी धनी सा। ठीक है फ्रेंड्स, ये है आपका स्थाई का किशोरदा वाला जो पार्ट है वो। उसके बाद जो लता जी वाला पार्ट है, सुना आंगन था जीवन मेरा बस गया प्यार इसमें तेरा। ये पोर्शन भी सेम बिल्कुल वही नोटेशन है जो पहली लाइनों की है स्थाई की, सेम इसी नोटेशन पर आप ये लाइनें बजाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसका म्यूजिक पार्ट, इसके बाद आता है इसका म्यूजिक पार्ट। अब जो म्यूजिक पार्ट है वो प्लग पार्ट है, पहले प्लग पार्ट वाला पार्ट देखिए। ये पोर्शन है पहला प्लग वाला। अब ये पास है, पा मंद्र सप्तक नहीं है पूरा पार्ट, ये पा धा और नीचे का सा और रे, मंद्र सप्तक का सा और रे भी इसमें यूज होगा। ठीक है, पा और धा। ये पोर्शन है। अब ये जो नोटेशन में आप इसको सिंपली नोट करोगे वो रहेगा आपका पा 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 धा पा 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 सारे पा 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 धा पा पा पा। पा 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 धा पा 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 सारे पा 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 धा पा पा पा। ये तो हुआ नोटेशन का रूट। अब आप इसको बजाएंगे प्लक पार्ट के तरीके से, तो आप ऐसे बजाएंगे। ये अंदाज रहेगा। ये हुआ प्लक पार्ट। अब इसके बाद आपका आता है शहनाई का पार्ट। पहले ये इतना पोर्शन है शहनाई का। पा 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 सा गा पा इतना है। उसके बाद ये है पा धा गा रे पा धा रे सा रे सा। केवल शहनाई का पार्ट में आपको पूरा बजा के दिखाता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हुआ इसका म्यूजिक पार्ट। अब इसके बाद आता है इसका अंतरा। अंतरा देखिए, टूट ना जाए सपने मैं डरता हूं निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। ये अंतराय इसका। अब देखिएगा इसको स्लो में मैं बताता हूँ, फिर उसका नोटेशन देखिएगा।
पाधा सारे का सारे टूट ना जाए सपने, मैं डरता हूँ। गारे गारे सानी धापा पाधा सारे का सारे टूट ना जाए सपने, मैं डरता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। निस दिन सपनों में देखा करता हूँ, गारे गारे सानी धापा पाधा सारे सा सा, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। ठीक है, अब इतने के बाद आता है एक फ्लूट का फिलर, तो फ्लूट से बजाया, वो फ्लूट का फिलर है। रे सा धा सा पा धा सा रे गा सा, इतना फ्लूट का फिलर है। रे सा धा सा पा धा सा रे गा सा, उसके बाद फिर वापस वही आ जाएगा। टूट न जाए सपने, मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। जो नेक्स्ट लाइन है, नैना कजरा रे मतवारे ये इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा। अभी जो है, नैना कजरा रे मतवारे ये इशारे, गा 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 गमरे नैना कजरा रे मतवारे, रे 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 गा गा सा रे 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 गा गा सा मतवारे, नैना कजरा रे मतवारे ये इशारे, सा 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 रे सा धा पा सा 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 रे सा धा पा, नैना कजरा रे मतवारे ये इशारे। ठीक है, उसके बाद खाली दर्पण था ये मन मेरा। अब ये जो खाली दर्पण है ये मंद्र सप्तक के गा से शुरू हो रही है लाइन, बाकी तो स्थाई की लाइन पा से शुरू हो रही है, लेकिन ये गा से शुरू हो रही है मंद्र सप्तक के। खाली दर्पण था ये मन मेरा, गा पा धा सा रे गा गा सा धा पा धा रे, लिख लिया नाम इस पे तेरा, पूरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की कोशिश आपको पसंद आई होगी, और इसका स्टार्टिंग का जो पोर्शन है अलाप और हमिंग वाला और म्यूज़िक पार्ट और स्थाई अंतरा और फिलर पार्ट, मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से बजा पाएंगे इस वीडियो की हेल्प से। और अगर मेरी कोशिश ये आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपना प्यार अपना सपोर्ट अपना आशीर्वाद देते रहें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।